हिमाचल प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य के युवक अपने सपने को साकार करने पौन से बचने का संदेश देने साइकिल पर निकले हुए हैं। ये युवक बीते 5 महीनों में भारत यात्रा को करते हुए इन दिनों हिमाचल प्रदेश की वादियों से गुजर रहे हैं। युवक बच्चों को इंटरनेट के दुष्प्रभावों से बचने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल जब आपके दिमाग में किसी सपने को पूरा करने का जुनून सवार हो जाता है तो फिर आप उस सपने को साकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि उसका अंजाम भी आपको मालूम नहीं होता, बस मंजिल ही नजर आती है। अपने ऐसे ही सपने को पूरा करने के लिए इन दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल के विदिशा का ऋषि शुक्ला भारत भ्रमण पर निकला हुआ है। आपको बता दें कि ऋषि मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में कार्यरत है। बीते 15 अगस्त 2022 को ऋषि ने अपने घर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। अभी तक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम, राजस्थान, हरियाणा से सफर तय करते हुए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। यहां से अब ऋषि लेह लद्दाख जा रही हैं, जहां से जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड से होते हुए कलकत्ता में जाकर अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और कहां से आए हैं? जी, मैं ऋषि शुक्ला और मैं भोपाल के पास जिला है विदिशा, आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और 15 अगस्त से मैंने ये जर्नी शुरुआत की। 15 अगस्त से? हाँ जी। तो सफ़र जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? भोपाल से हम भोपाल पहुँचे विदिशा के बाद, वहाँ से नागपुर और भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी होते हुए तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, गोवा, राजस्थान से होते हुए श्रीनगर गए थे। अब श्रीनगर से अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी कोलकाता जाना है, आखिरी डेस्टिनेशन कोलकाता रहेगा। तो पूरे भारत की परिक्रमा है। भारत की परिक्रमा, तो क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है युवाओं को जागरूक करना कि वो इंटरनेट का सही उपयोग करें। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि समाज में बलात्कार जैसे केस बढ़ रहे हैं, उसकी मुख्य वजह इंटरनेट पे फैली अश्लीलता है, जैसे पोर्नोग्राफी कंटेंट्स वगैरह। तो अभी लेटेस्ट अभी की खबर है, 3-4 दिन पहले की, दैनिक भास्कर ने काफ़ी न्यूज़ कि एक बच्चे ने रेप किया है, वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं था, वयस्क नहीं था, और उसने एक बच्ची का रेप किया और उसके मोबाइल में ये सब सामग्री मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज को जागरूक करने का समय है कि वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करे और महिलाओं के प्रति होने वाली जो अपराध हैं उनको कम किया जा सकता है। युवाओं के लिए सर क्या संदेश रहेगा? संदेश यही है कि इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है आज के समय में। हम पूरी यात्रा गूगल मैप के थ्रू कर रहे हैं, हम कोई जानकारी चाहिए रहती है कहीं मंदिर में रुकने की, सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको कैसा उपयोग कर रहे हैं। आप चाहो तो उसको, उस पर अपना समय इन सब चीज़ों को देखकर बर्बाद कर सकते हैं या उसका सही उपयोग कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इस चॉइस को आप बहुत ध्यान से इंटरनेट को इस्तेमाल करें तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। मैं न्यूज़ चैनल से हूँ। अच्छा अच्छा, क्या सर नाम लिखने भैया? लाइफ टाइम्स टीवी के लिए जवाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9481803537 पर कॉल करें।